तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, ये एक पैनल आ जाया, ये पैनल पहले बैठ गया था। ओके, इसका वर्टिकल हमने कुछ इस प्रकार से डिजाइन करके लगा दिया था, जो कि दोनों तरफ से आपका वायर आएगा तो इजीली आप नीचे को ड्रॉप हो सकता है। ओके, और ये लास्ट में है बोल के मैं कुछ 45-45 करके 90 कर दिया। इसका अभी फिनिशिंग नहीं है, फिनिशिंग होगा, इसमें फ्लैट भी इंस्टॉल किया जाएगा। लेकिन अभी और एक इसका जो इनकमर आने वाला है, ये इनकमर के लिए हमने क्या किया कि एक परपरेटेड ट्रे में कुछ इस प्रकार से बना के इसमें हम फिट करने वाले हैं। ओके, इसी को कट करके फिट करने वाले हैं। ओके, तो ये कैसे बनाया वो आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने 75mm का परपरेटेड ट्रे लिया है। ओके, तो 75mm के लिए हमको क्या करना पड़ा कि 37.5 इधर से 37.5। ओके, एक रेशियो का 50mm रेशियो मैंने लिया, उसे 37.5mm इसे 37.5mm रख के दोनों को सेंटर से कट कर दिया। और बीच बीच में जैसे कि हमने यहाँ पर ये 50mm रखा, इसके बाद 140 इधर का 40mm, ये आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। ओके, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये कैसा टाइप का हम बनाया वो आपको समझाने वाले हैं। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं 37.5 है, तो ये 75 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मार्किंग लगा लेना है हमको, क्योंकि ये 300 वाइड है तो हमको इतना आसान से हम बेंड नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर भी कर दिया ऐसा टाइप का। और इसको क्या करना, अभी ये वाला हिस्सा को हमको हटा देना है, उड़ा देना है, और ये थोड़ा आगे तक उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा प्लेट जो है इसके वो रेशियो का ऊपर जाके बैठ जाएगा। ओके, ये बेंड करेगा तो हमको थोड़ा नीचे से निकालना है। और बाकी रहा ये जो पीस बच गया ना, ये पीस को हमने कुछ इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐसे मार्किंग कर लिया जाएगा। मार्किंग करने के बाद इसको कटिंग करके सेट करके ऐसा वोल्डिंग मशीन के मदद से हम इसको वोल्ड कर लेंगे। और इसका फाइनल व्यू हम आपको इसको बनाने के बाद स्टेप बाय स्टेप दिखाते रहेंगे। चाहे तो ये प्रोसीजर फॉलो कीजिए और इसको भी देखिए, नकल कीजिए, कुछ अच्छा है केबल के लिए। ओके, आप ऐसा वाला भी वर्टिकल डाल सकते हैं। टू एटी फाइव का कट करो जिधर सेंटर आ रहे। दोस्तों
तो उसको बैठाने के लिए हमको पहले इसका इनकम और जो आएगा अंदर का लोकेशन थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए, कौन सा जगह में उसका केबल जो कि आसान से नीचे आके यहाँ पर जो टर्मिनेशन होने के लिए इजी होगा। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि देख सकते हैं इधर एक अर्थिंग का जो बस बार है वो ऊपर निकला हुआ है, तो क्या करेंगे यही साइड में लेके आएंगे। ओके, यही साइड में लेके आएंगे तो वो केबल इजीली नीचे को शायद हाँ नीचे जाके एक राउंड घूम के इधर टर्मिनेशन होने के लिए जैसे इजी होगा। ओके, तो उसका एक मार्किंग करेंगे, मार्किंग करके प्लम में हम इसको ऊपर उठा लेंगे बराबर। तो कुछ यहाँ पर हमने फाइनल किया है, ये हो गया एक मार्किंग और यहाँ पर 50 mm के बाद सॉरी 75, तो इधर तक आ जाएगा शायद। इसके बीच में हम लेने को कोशिश करेंगे और पहले इसके लिए एक एंगल रेडी कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एंगल में मैं एग्जैक्ट उसका जो जगह है वही जगह में मार्किंग कर दिया। कट करो 1365। हाँ तो केले कर आकर तो केल कर
तो दोस्तों इसी प्रकार से आज का काम खलास हुआ यहाँ पर, और बाकी रहा अर्थिंग के लिए इसका जीआई प्लेट डालना है, और उसके बाद ये केबल डाला जाएगा इनकमर और आउटगोइंग का। ओके, और यहाँ पर देख सकते हैं आउटगोइंग के लिए कितने सारे एमसीबी जो कि बैठा हुआ है, और ये होता है किचन रॉ पावर पैनल। ओके, यहाँ पर लिखा है देख सकते हैं, और यहाँ पर इनकमर आने वाला है।